हिंदुस्तान में फर्जी कंपनियां और फर्जी एजेंट आवाम को गुमराह कर रहे हैं। जी हां, आपके इलाके में, क्षेत्र में, कस्बे में, ज़िले में ऐसे बहुत से फर्जी एजेंट और फर्जी कंपनियां टूर एंड ट्रेवल्स के नाम पर धोखाधड़ी करती हुई दिखाई दी होंगी। पेपरों में भी आपने देखा होगा, अभी जल्द ही हम लोगों ने द प्रिंट में देखा कि वहाँ पर एक आदमी बरसों से इंतज़ार कर रहा था कि मैं हज पर जाऊँ, लेकिन जब वो मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसके साथ फ्रॉड हो चुका था। कम पैसे में लोगों को लोग बेवकूफ़ बना देते हैं। जैसे कि चाय बिकती है 10 रुपये की, 5 रुपये में जो चाय पिलाएगा कैसी चाय पिलाएगा, लेकिन दूध पिलाएगा, पानी पिलाएगा, इससे फ्रॉड होता है। इस फ्रॉड से बचना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि हमारी जगह क्या है, अच्छी जगह क्या है, सही जगह क्या है, वहाँ जाया जाना चाहिए। जी हाँ, कुछ ऐसे ही मामले आजकल आपके इलाकों में देखे जा रहे हैं। लोगों को गुमराह किया जाता है और लोगों को टूर ट्रेवल्स के नाम पर हज और उमरा के लिए भेजा जाता है और वो आदमी ठगा जाता है। यानी जब वो इंसान वहाँ पहुँचता है तो उसको वो सुविधाएँ नहीं मिल पाती जो उसे बताया जाता है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए शमसी टूर एंड ट्रेवल्स की ओपनिंग की गई है। जी हाँ, आपको हम बताना चाहेंगे कि ये सादुल्ला नगर इलाके में मनकापुर रोड पर स्थित मदरसा सरकारी आसी के जस्ट बगल में शमसी टूर एंड ट्रेवल्स के ऑफिस का आज ओपनिंग किया गया। यहाँ पर ओपनिंग करने के लिए बड़े बड़े ओलमा शामिल थे और उन लोगों का ये कहना था कि ये टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी जो लोगों को हज और उमरे पर भेजती है पूरी तरह से सर्टिफाइड है और ये जो वादा करती है यानी इसके जो डीलक्स पैकेज हैं या जो पैकेज ये बताती है उस पर अमल भी करती है। इस मामले में बहुत सारे लोगों से बातचीत की गई है, आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, शमसी टूर एंड ट्रेवल्स 8-10 सालों से हाजियों की खिदमत कर रहा है, इंडिया से लेकर के मक्का और मदीने शरीफ। उसके अलावा शमसी टूर एंड ट्रेवल्स हाजियों को इराक बगदाद शरीफ की भी ज़्यारत प्रोवाइड करवा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल का एक्सपीरियंस है। जो भी हमारे टूर से गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे हाजी आते हैं तो उनका मैं आपको बता दूं कि वो घरेलू टर्म्स हो जाता है। ये हमारे शमसी टूर एंड ट्रेवल्स की खिदमात है कि वहाँ अपने हाजियों की इस तरीके से खिदमत करते हैं जिस तरीके से हम अपने माँ बाप की खिदमत किया करते हैं। कुछ फ्रॉड लोग भी मार्केट में हैं, बीच में कुछ मैसेज आया था या सोशल मीडिया में देखने को भी मिला कि तमाम पैसे इधर के उधर हो गए और लोगों को वहाँ कोई सुविधा नहीं मिल पाई। बिल्कुल सर, ये होता है, ये लालच के जो लालची होते हैं वो अपने आप को जो है मार्केट में इस तरीके से दिखाते हैं कि हमारे पास जो है बहुत सस्ती चीज़ें हैं, बहुत मामलात ये हैं। जो हमारे भोले भाले हाजी होते हैं, हर हाजियों के दिल में, हाजी छोड़िए जितने मुसलमान हैं, सारे मुसलमानों के दिल में काबा शरीफ और सरकार के रोज़े की ज़्यारत के हर दिल की तमन्ना होती है कि अल्लाह या सरकार आप अपने रोज़े की ज़्यारत करा दे, परवरदिगार किसी भी तरीके से करा दे। तो जो गरीब तबके के लोग होते हैं, जो बेचारे मजदूर होते हैं, वो जो है सस्ते के पीछे भागते हैं। तो सस्ता जो है लोग 65,000-40,000 में बुकिंग करा लेते हैं और फिर उड़नछू हो जाते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। तो इससे बचे हम अल्हम्दुलिल्लाह शमसी टूर एंड ट्रेवल्स जो है बहुत कड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ लेकर के हम सारे लोग मार्केट में उतरने के लिए सस्ता पैकेज हम लॉन्च कर रहे हैं 85,000 में। इंशाल्लाह आने वाले कुछ ही दिनों में, 10-15 दिन के अंदर मैं 85,000 में लॉन्च करूंगा और जितने भी हमारे गरीब और हमारे जो है उस्ताद होते हैं जिनकी सैलरी 8-10 हज़ार होती है तो उनको भी इंशाल्लाह हम सस्ते से सस्ता और अच्छे से अच्छा। और हमारा एक मिशन भी है, आप आएँ, सादत हमारी, इबादत आपकी, खिदमत हमारी। इस इलाके में, क्योंकि इस इलाके में ज़्यादा टूर वाले भी नहीं हैं तो हम चाहते हैं कि इस इलाके के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और हम उनकी खिदमत कर सकें, क्योंकि हम खुद हुजूर की बारगाह में तकरीबन 4-5 बार गए। तो ये हमारी ख्वाहिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जैसे हमारे स्टाफ के लोग हैं या हमारे रिश्तेदार हैं, तो हम, क्योंकि हम, हमारे ऊपर भरोसा रहेगा, एतमाद रहेगा, इस बिना पर हम चाह रहे हैं कि यहाँ से भी। एक सवाल है कि जब वहाँ हाजी जाते हैं तो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, क्या कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप? हाँ, वो क्योंकि असल में होता ये है कि लोग वही कम बजट के चक्कर में जाते हैं और फिर वहाँ पे होटल्स का मामला होता है और वहाँ पे जो भी सेवाएं, जो भी खिदमतें होती हैं, ट्रेवल्स वगैरह का मामला होता है, तो इस वजह से बहुत दिक्कत होती है। उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता। और गाइड करने वाला भी नहीं होता है, यहाँ से तो बोल के ले जाते हैं कम में और फिर वहाँ पर
होटल कम से कम 2-3 किलोमीटर दूर मिल जाता है, उससे बहुत तकलीफ़ होती है। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है जी, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जो तमाम फ्रॉडी काम करते हैं, फ्रॉड का काम करते हैं, वो यहाँ फ्रॉड नहीं है। और बहुत पुराना ये शमसी टूर ट्रेवल्स है और इसमें लोग जाएंगे, और चूंकि इसमें सीनियर लोग हैं, कई बार ये लोग उम्रा कर चुके हैं, ज़ियारत कर चुके हैं, इसमें धोखा नहीं है। आपकी मोहब्बत में आज हम लोगों ने सोचा कि आपकी मोहब्बत में आज ऑफ़र दे देते हैं। जी जी, क्या आज ऑफ़र ये है, जो भी मेरा पैकेज है रमज़ान का है या फिर उससे शाबान प्लस रमज़ान है, अभी मेरा जो है 29 दिसंबर में जिसमें मैं खुद टूर लेकर के जा रहा हूँ पूरा, तो उसका पैकेज जो है 1,09,000 का है, लेकिन मैं आज इस ऑफिस ओपनिंग की खुशी में मैं ऑफ़र निकाल रहा हूँ। जो भी मेरा पैकेज है, आज 9 दिसंबर है, 30 दिसंबर तक जो भी बुकिंग कराएगा उसको जो है 5,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा डिलक्स में, और बजट पैकेज इंशाल्लाह 5-10 दिन में हम लॉन्च कर देंगे। बहुत खुशी की बात है कि हमारे मदरसे के करीब ये ऑफिस कायम हो गई है, जिससे इलाके के लोगों को काफ़ी फ़ायदा इंशाल्लाह पहुँचने वाला है, लोग फ्रॉड से बचेंगे और लोग इससे जुड़ें। हमारी ख्वाहिश ये है कि पूरे इलाके के लोग जो भी जाना चाहें हमारे इस टूर से जाएं, इंशाल्लाह उनको मुकम्मल सहूलत मिलेगी। इंशाल्लाह भटकना नहीं पड़ेगा, सही रास्ता सही जगह पे आएंगे आदमी और सुकून से इत्मीनान से हज व उमरा करेंगे इंशाल्लाह, और बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी हासिल होगी। ये दारुल उलूम सरकार आसी के सदकत उतैल में, सरकार आसी फैजान सदकत उतैल में, ये जो आएंगे हज टूर करने जाएंगे, माला मालूम है इंशाल्लाह।